कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बलरामपुर के रामानुजगंज में भी निजी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जारी रही। दूसरी तरफ ओपीडी सेवाएं बंद होने की वजह से शनिवार को हर अस्पताल में मरीज बेहाल हुए। इलाज की उम्मीद से आए लोग इधर उधर भटकते रहे और डॉक्टर्स से 5 मिनट निकालकर उन्हें देख लेने की गुहार लगाते रहे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ निर्मम तरीके से सामूहिक बलात्कार कर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो है पूरे देश भर में है डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ संजीवनी हॉस्पिटल की जो है नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने आज कैंडल मार्च निकाला हुआ है। कैंडल मार्च के जरिए जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वो फांसी दोषी जो है दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही हैं। क्या है मामला, क्यों उन्होंने कैंडल आज निकाला है और सरकार से क्या मांगे कर रही हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है परिशानंद, मैं संजीवनी हॉस्पिटल रामानुजगंज में करती हूँ, कार्यरत हूँ स्टाफ नर्स के तहत। और हम सब यहाँ पे रैली इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि इस भारत देश में कोलकाता में जो ये घटना घटी है डॉक्टर मोमिता के साथ, आपको सब कुछ पता है, आप सभी लोग सब देख रहे हैं। इसीलिए पूरा भारत देश इस सदमे में है और सब लोग चाहते हैं कि वो गुनाहगार अपराध पकड़ाया जाए क्योंकि मोमिता डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, जो गैंगरेप किया गया है, अभी तक कातिल का कुछ भी पता नहीं चला है। ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही सरकार कुछ कर रही है। अभी तक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं और आज उन्हीं की जान को खतरा है और आज वो सेफ नहीं है। अब बहुत बड़ा सरकार, भारत सरकार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो पढ़ रही है लेकिन बेटी कहीं बच नहीं रही है। डॉक्टर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसी डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी कोलकाता में और अभी भी गुनाह अपराध घूम रहा है, फिर रहा है। आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को यह घटना घटा है और आज हो गया 18 तारीख, अभी तक कोई गुनाह अपराध पकड़ाया नहीं गया है। और हम देखते हैं लगातार, हम YouTube में बने हैं, लगातार हम समाचार देख रहे हैं, उसमें भी हमें ये पता चला है कि अभी तक कोई पकड़ाया नहीं गया, सभी को मिटाया गया है। जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था कोलकाता हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टर लोगों को मारा पीटा गया, सामान को तोड़फोड़ कर दिया गया है। अंदर में घुस के जहाँ सेमिनार हॉल है वहां पे भी उन्होंने तोड़फोड़ किया, सारे कैमरा वगैरह लोगों को सब कुछ तोड़ दिया ताकि सबूत ना मिल पाए। ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की मिलीभगत है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, इसलिए ये सारी चीजें घटना घट रही है। और अभी तक ना ही CBI ना ही भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाया है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं तो बता रही कि एक आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार कर, तो वो एक आरोपी मुझे लग रहा है कि जस्ट सो दिखाने के लिए कि हम पकड़े हैं, लेकिन अभी भी आरोपी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उसे तो बहुत अच्छे तरीके से ले जाके गाड़ी में बैठाया जा रहा है, जबकि आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर मोमिता के साथ कितनी बड़ी घटना घटी है, उनके साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, वो इस दुनिया से चली गई, उनके माता पिता का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। हम सभी बहुत दुखी है उनके साथ, उस दुख में हम शामिल है, इसलिए हम कैंडल जला के हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ मिल के प्लीज, मैं चाहती हूँ भारत सरकार से प्लीज आप इस चीज में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और गुनहगार अपराधों को पकड़े। निर्भया के में भी ऐसे ही हुआ था, कोई नहीं पकड़ा गया। आज माहौल गर्म है तो पता चल रहा है सबको, लेकिन ये फिर माहौल ठंडा हो जाएगा तो फिर भारत सरकार कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द गुनाह अपराध पकड़ा जाए और उसे सबके सामने चौराहे में मार दिया जाए, यही चाहते हैं हम। हम सबकी यही कामना है। आपने देखा जो है डॉक्टर के साथ बर्बरता करने के बाद जो है महिला डॉक्टर के साथ अंदर जो है कितना आक्रोश है, वो हमसे बातें करते समय जो है वो भावुक हो गई है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है रात में? हम लोगों का अकेले में तो डर लगता है क्योंकि कई लोग यहाँ पेशेंट के अटेंडर सब भी रहते हैं, कौन कैसा नियत से आता है हम लोगों को पता नहीं रहता है। कम से कम हम लोग को सेफ्टी चाहिए ना उसके लिए, ताकि गार्ड लोग भी अच्छे से देखे कि कौन क्या है, सबको देखे अच्छे तरह से, कहाँ कहाँ डॉक्टर लोग सब है, कहाँ स्टाफ है, हर चीज को देखना चाहिए। हमारे साथ कुछ मेल वर्कर भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनसे उनकी सरकार से क्या मांग है, क्या चाहते हैं वो। उन्होंने लगातार जो है वो बारिश हो रही है, बारिश में जो है वो कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर है। मतलब गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि अभी तक ना CBI इसमें इंक्लूड हुई है और ना ही कुछ और जो आप बात बोल रहे हैं कि वो मतलब एक आरोपी तो गिरफ्तार कर दिया गया है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो जस्ट शो करने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब मिली भगत है, क्योंकि ये घटना नौ मतलब आप खुद सोचिए 7-8 दिन अराउंड हो गए हैं ये घटना को हुए और अभी तक कुछ भी ना CBI इसमें इंक्लूड हुई है ना ही कुछ और। मतलब जितने भी हम लोग मतलब हमारे फैमिलीज जो हैं डॉक्टर में, कोई डॉक्टर्स है कोई नर्स है, कहीं कहीं मतलब हर जगह पटना एम्स को देख
देख लीजिए, या फिर हमारा रायपुर एम्स को देख लीजिए, हर जगह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो चेहरे हैं हमारे इंडिया में, बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हैं, अभी तो जा गवर्नमेंट से क्या मांग है आपकी? गवर्नमेंट से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द उन हथियारों को पकड़ी जाए और बीच चौराहे में खड़ा करके लाइव टेलीकास्ट के साथ गोली मार दिया जाए। हमारी चाहत बस यही है, ताकि आने वाले समय में बीते कल को याद करके लोग डरे। बेटी तो आज हम लोग, जैसे अभी एक दिन पहले हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं, भारत तो आजाद, हमारी भारत की बेटियां कब आजाद होगी बताइए? घर वाले इतने खर्चे करके नीट उट निकालने के बावजूद, वो सब कुछ करने के बाद किसी तरीके से डॉक्टर्स बनते हैं, इतना फ्रीडम के चाहिए हमारे खुद यहाँ पे सारे स्टाफ है अभी, जो मतलब ये कुछ कुछ इसमें ऐसे हैं जो नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, अभी नाइट ड्यूटी जाएंगे, किनका रूम वहाँ पे है, किनका रूम वहाँ पे, अकेले जाते हैं, इनकी मम्मी पापा सब लोग छोड़ दिए हैं करके, ठीक है, अकेले जाएंगे, मतलब फ्रीडम चाहिए हमें, ताकि रात के 8 बजे 9 बजे भी हमारी बेटियाँ बहन अच्छे से घूम सके। हमारी मांग सरकार से ही है, और उन जो हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ी जाए और उनको ऐसा खतरनाक दर्दनाक सजा दी जाए ना कि आने वाले समय कोई ऐसा करने के लिए सोचे, सोचने से पहले उसका हार रूह सब कांप जाए। हमारी बस गवर्नमेंट से यही अनुरोध है। आपने देखा जो है इतने भयावह घटना को अंजाम देने के बाद पूरे देश के डॉक्टरों में कितना जो है आक्रोश है, आक्रोश को लेकर के लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। रामानुजगंज से साधना न्यूज के लिए राजीव खान।